Redmi Note 7 डिवाइस के लिए लेटेस्ट स्पार्क OS का जो अपडेट है अवेलेबल हो गया है एंड इस अपडेट को मैं कुछ टाइम से यूज कर रहा हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ढेर सारी कस्टमाइजेशन फीचर्स को ऐड किया गया है, ढेर सारी ऑप्शंस अवेलेबल है, बैटरी बैकअप, इवन परफॉर्मेंस के साथ भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ। तो कुछ इस तरह से क्विक सेटिंग्स पैनल देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्विक सेटिंग्स पैनल के ऊपर जो आइकॉन है उसको हमने यहाँ पर जो चेंज किया है। यहाँ पर कस्टमाइजेशन फीचर्स अवेलेबल है। ब्राइटनेस पैनल के साथ जो है पर परसेंटेज का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। बाकी यहाँ पर वाईफाई आइकॉन, ब्लूटूथ आइकॉन, टॉर्च आइकॉन, वॉल्यूम पैनल आइकॉन, सभी आइकॉन को हमने यहाँ पर जो है चेंज किया है। यहाँ पर जो है iOS 16 जैसा बैटरी परसेंटेज भी देखने को मिल जाएगा। इस तरह से पर आइकॉन के साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा। बाकी होम स्क्रीन की अगर बात करें, कुछ इस तरह से होम स्क्रीन UI देखने को मिलता है एंड यहाँ पर जो है क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ जो है ट्रांसपेरेंट UI को ऐड किया गया है। ब्लर को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ऐप ड्रॉअर की अगर बात करें, कुछ इस तरह से ऐप ड्रॉअर के साथ भी ट्रांसपेरेंट UI काम कर जाएगा। सेटिंग्स मेनू की अगर बात करें, जो सेटिंग्स मेनू है कंप्लीटली यहाँ पर चेंज हो गया है एंड अबाउट फोन के साथ जो कुछ इस तरह से UI देखने को मिलेगा। एज बिल्ड तो अनऑफिशियल बिल्ड है, स्पार्क OS 13.11 का बिल्ड है, एंड्रॉयड 13 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। यहाँ पर जो है इस अपडेट के साथ जो है बाय डिफॉल्ट GApps अवेलेबल है, आपको अलग से जो GApps को फ्लैश नहीं करना होगा। इस रॉम का जो है डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर इस रॉम को डाउनलोड कर सकते हो Redmi Note 7 डिवाइस के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते ओवरऑल UI के बारे में। तो यहाँ पर इस रॉम के साथ जो एक्सपीरियंस है सच में काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर एंड्रॉयड 13 जो है काफ़ी स्टेबल हो चुका है एंड ऑलमोस्ट सभी जो फीचर्स यहाँ पर काम कर जाएगा, सभी जो ऑप्शंस यहाँ पर काम कर जाएगा। एज बिल्ड है तो इन्फोर्सिंग वाला बिल्ड है। यहाँ पर ऐप ओपनिंग एनिमेशन हो जाए, ऐप क्लोजिंग एनिमेशन हो जाए, काफ़ी स्मूथ देखने को मिल जाएगा, कोई भी लैग कोई भी हैंग का इशू नहीं है। यहाँ पर क्विक सेटिंग्स पैनल, सेटिंग्स मेनू, यहाँ पर स्कॉलिंग एनिमेशन जो है काफ़ी स्मूथ देखने को मिलता है, कोई भी इशू को हमने यहाँ पर नोटिस नहीं किया है। बाकी यहाँ पर बात करें पर रैम मैनेजमेंट के बारे में, तो डेफिनेटली यहाँ पर Redmi Note 7 डिवाइस के साथ जो है पर रैम मैनेजमेंट बढ़िया देखने को मिलता है। हमारे पास 3GB रैम वाला फ़ोन है, उसके बाद भी यहाँ पर रैम मैनेजमेंट बढ़िया है एंड यहाँ पर कैमरा टू पे के साथ जो है लेवल 3 का सपोर्ट है। गूगल कैमरा काम कट जाएगा, जी कैम यहाँ पर काम कट जाएगा। रिसेंटली हमने गूगल कैमरा 9.2 का जो लेटेस्ट अपडेट है उसका रिव्यू वीडियो अपलोड किया है। जी कैम का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। प्लस यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है अपर्चर कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर फोटो वीडियो QR कोड स्कैन करने का ऑप्शन है एंड यहाँ पर मैक्सिमम ब्राइटनेस का ऑप्शन है, साउंड को डिसेबल कर सकते हो। तो यहाँ पर एपर्चर कैमरा भी काम कर जाएगा, अगर आप चाहो तो गूगल कैमरा को भी इंस्टॉल कर सकते हो, जी कैम भी काम कर जाएगा। इस अपडेट के साथ जो बाय डिफॉल्ट प्ले स्टोर अवेलेबल है, अलेक्सा जी एप्स को फ्लैश नहीं करना होगा एंड यहाँ पर FM रेडियो का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। सिंपली यहाँ पर हेडफोन को कनेक्ट करके आप जो है FM रेडियो को यूज कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया तरीके से FM रेडियो का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। बाय द वे स्पार्क OS का जो इंस्टॉलेशन वीडियो है, स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड किया है। Redmi Note 7 का जो प्लेलिस्ट है वो आप जाके चेकआउट करके देख सकते हो एंड स्पार्क OS का जो है डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर रैम मैनेजमेंट बढ़िया है एंड यहाँ पर ऐप ओपनिंग एनिमेशन भी बढ़िया है, प्लस कोई भी लैग नहीं है। यहाँ पर हमने कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन है रन किया था इस रॉम के साथ। यहाँ पर जो है 3D मार्क के साथ, वाइल्ड लाइफ के साथ 493 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है Redmi Note 7 डिवाइस के साथ। स्कोर जो है काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर Geekbench 5.5.1 के साथ, सिंगल कोर के साथ 334, मल्टी कोर के साथ जो है 1513 का स्कोर है एंड यहाँ पर एवरेज से ज़्यादा स्कोर देखने को मिल गया है सिंगल कोर के साथ एंड मल्टी कोर के साथ भी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा स्कोर देखने को मिल गया है। तो यहाँ पर सिंगल कोर मल्टी कोर दोनों के साथ जो है एवरेज से ज़्यादा स्कोर देखने को मिलता है एंड यहाँ पर बाय डिफॉल्ट विदाउट मैजिक्स विदाउट रूट सेपनेट पास हो जाएगा, मतलब गूगल पे फोन पे इस तरह की जो एप्लीकेशन है बाय डिफॉल्ट काम कर जाएगा इस रॉम के साथ। ओवरऑल इस रॉम के साथ जो है Redmi Note 7 डिवाइस के ऊपर काफ़ी बढ़िया जो है यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है एंड
यहाँ पर क्विक टैप का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। सिंपली इस तरह से आप जो है डबल टैप करके स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो, शो नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, टॉर्च को एनेबल कर सकते हो, क्विकली ओपन कैमरा का ऑप्शन है, पावर बटन को डबल प्रेस करके आप जो है कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो, यहाँ पर वन हैंडेड मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, प्लस प्रेस एंड होल्ड पावर बटन टू एनेबल असिस्टेंट का ऑप्शन है, एंड यहाँ पर स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, गेस्टर्स के साथ जो आप स्क्रीनशॉट को क्लिक कर पाओगे, डबल टैप टू चेक फोन का ऑप्शन है, डबल टैप करके आप जो नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हो, ये सभी ऑप्शन है। यहाँ पर लोकेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। कनेक्टिविटी की अगर बात करें, वाईफाई काम कर रहा है, सबसे बढ़िया बात है हॉटस्पॉट एंड वाईफाई को आप एक साथ यूज़ कर सकते हो, ब्लूटूथ काम कर जाएगा, ब्लूटूथ के साथ जो है कनेक्टेड डिवाइस का जो बैटरी परसेंटेज देख सकते हो, वॉल्यूम का एडजस्ट कर सकते हो, या पर रेडमी नोट 7 डिवाइस के साथ जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन है, बट अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यूज़ करोगे आपको ज़्यादा बैटरी ड्रेन देखने को मिलेगा, क्योंकि रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, इसलिए वॉल्यूम पैनल का ऑप्शन है। यहाँ पर एक्स्ट्रा डिम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, ऑन द गो का जो फीचर से ऐड किया गया है, जो फीचर से काफ़ी यूजफुल है, काम कर जाएगा, प्लस यहाँ पर डेटा यूजेस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, एंड यहाँ पर पावर मेनू के साथ जो है पर ब्लर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, एडवांस रिबूट का ऑप्शन है, रिकवरी बूट लोडर एंड सिस्टम यूआई को भी आप यहाँ से रिबूट कर सकते हो, एंड यहाँ पर वॉल्यूम पैनल की अगर बात करें, जिस तरह से वॉल्यूम पैनल के साथ भी काफ़ी बढ़िया यूआई देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट एंड ऐप लॉक का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, फिंगरप्रिंट सेंसर जो है पर काम कर जाएगा, सिंपली यहाँ पर टैप किया ओपन हो गया, फिंगरप्रिंट सेंसर जो है काफ़ी फास्ट है, बहुत ही फास्ट डिवाइस जो है पर अनलॉक हो जाएगा। ऐप लॉक की अगर बात करें, आप सिंपली यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ जो है यहाँ पर ऐप लॉक को भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन के साथ कुछ इस तरह से ये सभी ऑप्शंस को ऐड किया गया है, नोटिफिकेशन वॉल्यूम का एडजस्ट करने का ऑप्शन है, यहाँ पर इंक्रीज रिंग वॉल्यूम, लाइव कैप्शन, नाउ प्लेइंग का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, रेडमी नोट 7 डिवाइस के साथ जो है नाउ प्लेइंग को यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर सिस्टम हैप्टिक प्लस वाइब्रेशन हैप्टिक का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन है, इन कॉल वाइब्रेशन ऑप्शन के ऊपर वाइब्रेट ऑन कनेक्ट, वाइब्रेट ऑन कॉल रूटिंग, वाइब्रेट ऑन डिस्कनेक्ट का ऑप्शन है, एमआई साउंड इनहाइजर का जो ऑप्शन से काम कर चुका है, इसे भी ऐड किया गया है, यहाँ पर अलग अलग हेडफोन टाइप का ऑप्शन है, अलग अलग प्रीसेट को सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन है यहाँ पर काम कर जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। यहाँ पर इस रॉम के साथ जो है अगर आप एक हैवी यूजर हो तो आपको 6 आवर से 6.5 आवर के आसपास जो यहाँ पर बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा, स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाएगा, तो बैटरी ड्रेन भी हमने काफ़ी कम नोटिस किया है, ओवरनाइट लगभग 4% के आसपास जो है बैटरी ड्रेन को हमने नोटिस किया है, एंड यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी का ऑप्शन है, बैटरी टेम्परेचर का ऑप्शन है, अडेप्टिव बैटरी का जो फीचर्स है यहाँ पर ऐड किया गया है, बाकी यहाँ पर डिस्प्ले के साथ जो है डार्क मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, पर पिच ब्लैक थीम का जो ऑप्शन से काम करता है, जो कि सच में काफ़ी बढ़िया है, तो आप जो है यहाँ पर पिच ब्लैक थीम को भी यूज़ कर सकते हो, बाकी यहाँ पर नाइट लाइट मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, लाइव डिस्प्ले का ऑप्शन है, डबल टैप टू वेकअप, डबल टैप टू स्लिप का ऑप्शन है, यहाँ पर वेकअप ऑन प्लग के साथ साथ जो डेस्कटॉप मोड का जो फीचर से ऐड किया गया है, जो फीचर से काफ़ी यूजफुल है, इसे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ कस्टमाइजेशन फीचर्स भी देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर गेस्टर्स के साथ जो डबल टैप टू स्लिप का ऑप्शन है, एंड नेविगेशन बार का ऑप्शन है, पिक्सल एनिमेशन का जो ऑप्शन से पर ऐड किया गया है, ये सभी ऑप्शंस देखने को मिलेगा। सरस भर के साथ जो है सरस भर आइकॉन का ऑप्शन है, नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, डेटा डिजिबल आइकॉन है, प्लस जो वॉल्टी आइकॉन है, वो वाईफाई का जो आइकॉन है उसे भी कस्टमाइज करने का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, कॉम्बाइंड सिग्नल आइकॉन, 4G आइकॉन का ऑप्शन है, इवन 4G आइकन LTE आइकन की जगह आप जो 5G आइकन को शो कर सकते हो, ब्लूटूथ बैटरी स्टेटस का ऑप्शन है, यहाँ पर जो है ब्राइटनेस कंट्रोल का ऑप्शन है, यहाँ पर हमने iOS 16 बैटरी स्टाइल को जो है सिलेक्ट किया है, बैटरी परसेंटेज के साथ साथ जो है बैटरी बार का जो फीचर्स यहाँ पर काम कर जाएगा, एंड लॉक स्क्रीन के साथ जो है बैटरी इन्फो का ऑप्शन है, चार्जिंग एनिमेशन का ऑप्शन है, वेदर को ऐड कर सकते हो, प्लस रैपिड एनिमेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, पावर मेनू को डिजेबल कर सकते हो, लॉक स्क्रीन के साथ जो है क्विक सेटिंग्स पैनल को भी डिजेबल करने का ऑप्शन है, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन वाइब्रेशन, फिंगरप्रिंट इरर वाइब्रेशन का ऑप्शन है, थीम की अगर बात करें, एंड थीम के साथ जो है मॉनिटर सेटिंग्स, नेविगेशन बार, फॉन्ट आइकॉन पैक, सिग्नल आइकॉन, वाईफाई आइकॉन, डेटा डिजिबल आइकॉन,
क्विक सेटिंग स्टाइल को कस्टमाइज करने का ऑप्शन है, ऑपेसिटी को एडजस्ट कर सकते हो, डुअल टोन का ऑप्शन है, यहाँ पर क्विक सेटिंग्स यूआई के ऊपर एंड्रॉयड 11 का जो यूआई है सिलेक्ट कर सकते हो, एनिमेशन स्टाइल का ऑप्शन है, ऑटो ब्राइटनेस आइकॉन ब्राइटनेस परसेंटेज है इसे भी आप एनेबल कर पाओगे, बैटरी स्टाइल का ऑप्शन है, डेटा यूजर्स का जो ऑप्शन काम कर जाएगा, एज लाइटिंग का ऑप्शन है, अलग अलग ऑप्शंस को ऐड किया गया है एंड डिफरेंट डिफरेंट जो है सेटिंग्स स्टाइल को भी जो है सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन है यहाँ पर काम कर जाएगा। तो डेफिनेटली आप जो इस रॉम को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर।